चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन यूपी के गोड्डा में हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में पुष्टि की है। ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद लोगों ने बताया कि अचानक तेज आवाज आई। 2:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ। 2 बोगी पूरी तरह से पलट गई। लोग काफी मशक्कत से बोगी से निकल पाए। गोड्डा के CMO और डिप्टी CMO मौके पर मौजूद है। यूपी के CM योगी ने जनपद गोड्डा में 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। CM योगी ने मुख्य सचिव और DGP से बात की। मुख्यमंत्री ने रेल दुर्घटना पर अपने मुख्य सचिव और DGP से बात की। CS मनोज कुमार सिंह ने ट्रेन दुर्घटना को लेकर CM को जानकारी दी है। CM योगी का पंचम तल गोड्डा जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में है। रेलवे मेडिकल वैन घटनास्थल पर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक ये दुर्घटना मोतीगंज छिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई डिहबा गांव के पास हुई है। मौके पर मोतीगंज पुलिस और RPF मनकापुर द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर किया गया। गोंडा बलरामपुर कौशाम्बी बाराबंकी और सिद्धार्थनगर के सभी CHC PHC जिला हॉस्पिटल अलर्ट मोड पर किए गए हैं। घायलों के लिए लखनऊ के KGMC बलरामपुर और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल को भी अलर्ट पर किया गया है।